इन 13 ग्रुप सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोरॉन आपका अल्फा बीटा एलोट्रॉप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था और गैलियम आपका डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, लाइक गैलियम आपका Ga2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। ये आपको आइडिया होना चाहिए। इन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है क्या, जो बोरॉन एल्यूमिनियम एंड गैलियम तक आपका डिक्रीज होता है। बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम तक जाने पर बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होगा। इसके बाद गैलियम के बाद इंडियम और थैलियम तक जाने पर मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट्स, ओके, मेल्टिंग पॉइंट्स आपका, ओके। नाउ फिर आपने एटॉमिक रेडियस देखा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी आपका ऑस्किलेटिंग इफेक्ट होता है, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द इनर्ट इफेक्ट, ओके। एंड देन आफ्टर दैट हम लोगों ने हैलाइड्स देखा होगा। हैलाइड्स में आपका कौन कौन सा पार्ट आपका BX3, ALX3, GAX3 और INX3, लाइक इस टाइप के हैलाइड होते हैं, ओके। लेट मी टेल यू, एलिमेंट X3 इस टाइप के हैलाइड फॉर्म करते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर आपका +1 और +3, ये दो ऑक्सीडेशन नंबर होती हैं। कौन सा स्टेबल होता है डाउन द ग्रुप जाने पर, +3 और +1? +3 +3 स्टेबल होता है डाउन द ग्रुप जाने पर। +1 थैलियम का +3 लेस होता है। हाँ, ओके। डाउन द ग्रुप जाने पर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है उसकी वजह से -2 हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर में। जिस भी ग्रुप की आप बात कर रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर, ये -2 होता है बिकॉज ऑफ द एस, और जो आपका एस ब्लॉक होता है ना, तो एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है आपका। तो क्या होता है, लाइक अगर कोई भी ग्रुप है +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाला, तो डाउन द ग्रुप जाने पर उसकी +1 स्टेबल होने लगती है। अगर कोई ग्रुप +4 शो करने वाला है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर वो +2 स्टेबल होने लगता है। अगर किसी ग्रुप का +5 स्टेबल होने वाला है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर +3 स्टेबल होने लगता है। ये आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, समझ गए, ओके। नाउ नेक्स्ट आपने इसके अलावा हमने कुछ और प्रॉपर्टीज देखी थी। BF3 में किस तरीके से बैक बॉन्डिंग होती है, AlCl3 में किस तरीके से आपका डाइमराइजेशन होता है, ये सारी चीजें देखा। 4 इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 3 centered 2 electron और 3 centered 4 electron कौन सी स्पीसीज, या ये बॉन्ड आपका कहाँ पर होता है, ये हमने डिस्कस किया। कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह ये सब डिस्कस किया। इसके बाद ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आया। ऑक्साइड किस तरीके से फॉर्म होते हैं, लाइक B2O3 टाइप ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। हम बी को E2O3 करते हैं। ई मीन्स एलिमेंट है इस ग्रुप का। ई को रिप्लेस कर सकते हैं भाई बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम इन सबसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाता है कि हमने कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से कंपाउंड्स पढ़े, लाइक बोरॉन, बोरॉन के बारे में हमने देखा। फिर आपका बोरेक्स देखा, बोरेक्स के बाद B2H6 देखा होगा, ओके। फिर इसके बाद बोरॉन का और कोई सा कंपाउंड नहीं था, डायरेक्टली बोरिक एसिड आ गए थे, डायरेक्टली बोरिक एसिड पे पहुंच गए थे। बोरिक एसिड के बाद आपका ये चैप्टर आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, राइट। बोरोन नाइट्राइड वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उसके बारे में आपको पता है कि किस तरीके से क्या होता है। नहीं पता तो हम लोग क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर ग्रुप 14 स्टार्ट किया। ग्रुप 14 में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड होता है। इस ग्रुप का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर याद रखना है, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी आपको याद रखना है किस तरीके से इसका चेंज होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको आइडिया रह जाएगा कि कार्बन का ज़्यादा होता है, बाकी सब नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट एलोट्रॉप फॉर्म कर सकते हैं, ओके। पीबी लेड का हम लोग एलोट्रॉप के बारे में नहीं डिस्कस करते, बाकी सारे एलोट्रॉप फॉर्म कर सकते हैं। फिर ऑक्सीडेशन नंबर आता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, +4 रहेगा एंड +2 भी रहेगा। एंड देन इसके बाद हम लोग आई थिंक सिलिकॉन स्टार्ट किया था या कुछ और बीच में, हाँ हाइड्राइड वगैरह आया था, लाइक हाइड्राइड किस तरीके से CH4 SiH4 जर्मेनियम H4 एंड SnH4 फॉर्म होते हैं। हैलाइड वगैरह थोड़ा बहुत आया होगा, बट हैलाइड का इस ग्रुप में हैलाइड का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, एक ही इंपॉर्टेंस है, बिकॉज क्या होता है, जो सिलिकॉन हैलाइड होते हैं या बेसिकली डाउन द ग्रुप जाने पर
कार्बन हैलाइड को छोड़ करके बाकी सारे हैलाइड हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कार्बन हैलाइड की बात कर रहा हूँ मैं, CH4 शो नहीं करता, बाकी सारे एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस शो करते हैं सारे हैलाइड्स। ओके, लाइक सिलिकॉन का बोल सकते हैं, जर्मेनियम, SN की भी सारे हैलाइड शो कर सकते हैं। कार्बन इसलिए शो नहीं करता बिकॉज कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं रहता, मींस कार्बन के जो हैलाइड्स है वो शो नहीं करते बिकॉज उनके पास एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल नहीं रहते, ये हमने देखा होगा। फिर हैलाइड्स की एक स्टेबिलिटी आ जाती है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैलाइड्स आपको स्टेबल रखना है और ऊपर रहेंगे तो +4 वाले स्टेबल रहते हैं। ऑक्साइड देखा था, ऑक्साइड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब ऑक्साइड एंड मिक्स ऑक्साइड देखा होगा। ओके, इसके बाद डायरेक्टली आ जाता है आपका, आई थिंक CO2 कवर हो चुका है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड आई थिंक, और क्या, कार्बाइड, हाँ कार्बाइड, कार्बाइड स्टार्ट किया था। कार्बाइड 3 टाइप्स के होते हैं मेजरली, आयनिक कार्बाइड, कोवलेंट कार्बाइड एंड इंटरस्टीशियल कार्बाइड, ये 3 टाइप के कार्बाइड होते हैं। आयनिक कार्बाइड के भी 3 टाइप है, एक मेथेन बनाने वाले, एक एसिटिलीन बनाने वाले, एक प्रोपाइन बनाने वाले, इसको बोलते हैं मेथेनाइड्स एंड एसिटिलाइड्स एंड एलाइलाइड्स। ओके, ये 3 टाइप के आयनिक कार्बाइड्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। मेनली फर्स्ट ग्रुप से मेथेन बनेगा, सेकेंड ग्रुप से, ऐसा नहीं है सॉरी, मेनली 3 टाइप के, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड और थर्ड ग्रुप के आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं या आयनिक कार्बाइड्स आपके फॉर्म कर सकते हैं। अब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट आपका मेथेन बना सकता है और सेकेंड ग्रुप का भी बना सकता है, थर्ड का भी बना सकता है। ओके, ये इस तरीके से आप लोग याद मत करना कि फर्स्ट का मेथेन बनाएगा, सेकेंड का एसिटिलीन बनाएगा, थर्ड का प्रोपाइन बनाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं। ओके, तो फर्स्ट जो मेथेन बनाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं मेथेनाइड्स, एथेन बनाने वाले को एसिटिलाइड्स एंड प्रोपाइन बनाने वाले को एलाइलाइड्स। ये आयनिक कार्बाइड के ऊपर क्वेश्चंस जेई में और नीट में आता है बेटा। ओके, इसके ऊपर याद रख लेना। ओके, एंड देन इसके बाद हमने सिलिकॉन के कंपाउंड्स में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ग्लास और सिलिका पढ़ा हमने, फिर सिलिकॉन पढ़े, सिलिकॉन क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर प्रिपरेशन हमने पढ़ा सिलिकॉन का, सिलिकॉन के प्रिपरेशन के बाद फिर आई थिंक सिलिकेट्स आ जाते हैं, सिलिकेट्स के बाद सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने इस ग्रुप में स्टडी की, क्वेश्चन जैसा आता है हम लोग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 1 एंड टेल मी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, क्या होगा 1 का आंसर? सी पार्ट, anhydrous aluminium chloride is covalent compound and soluble in water. देखो, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम कंपाउंड्स आपका कोवेलेंट कंपाउंड तो है, ये आपको आइडिया है। वाटर में देखो, जब आपका एनहाइड्रस रहता है ना, तो अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करते हैं सॉल्युबल इन वाटर गिविंग, एक्चुअली में आपका जो कंपाउंड बनता है दैट इज फॉर्म्ड बी। ओके, बी आपका कंपाउंड बनता है, Al H2O होल सिक्स आपका बी कंपाउंड बनता है, बट फर्दर जो आपका रिएक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, AlCl3, इधर पे कुछ नहीं लिखा, तो .6H2O रहता है इसके पास। ओके, जब ये रिएक्शन करता है तो आपका बी कंपाउंड फॉर्म होता है, बट बी कंपाउंड ज्यादा देर तक ना रह करके डायरेक्टली कंप्लीट हो जाता है सी में। ओके, सो वी कैन से दैट अगर इसका फाइनल कंपाउंड में लिखूं तो AlCl2H2O4 हो सकता है एंड AlCl4H2O2, ये कंपाउंड आपका एग्जिस्ट करता है फाइनली में। ये टू कंपाउंड ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज Cl नेगेटिव फिर से कंबाइंड हो जाता है एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर Cl4 और Cl2 में आ जाता है। ओके, ये Cl नेगेटिव आपका 3D नहीं रह सकता, इसके साथ चल जाए। ओके, तो अगर इसका देखें करेक्ट आंसर देखेंगे तो सी आएगा, अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो आपका बी आंसर पॉसिबल था, अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो बी आंसर सी था। ओके, याद रखना इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको पहले देखना है सी, अदरवाइज सी नहीं होता तो आपको बी लगाना।
ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन Al4C3 इज आयनिक कार्बाइड। हाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, आयनिक कार्बाइड है, इसका आंसर क्या होगा? मेथेनाइड। मेथेनाइड और इथेनाइड? मेथेनाइड। मेथेनाइड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का आंसर ऑर्थोबोरिक। ऑर्थोबोरिक एसिड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, AlCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस, AlCl3 हाइड्रोलिसिस होकर के क्या बनता है? Al OH thrice. Very good. Okay. Now next one. Alumina is insoluble in water because of alumina. क्या होता है? All of you. Alumina आपका Al2O3 होता है. Okay. ये आपका insoluble है in water because of anyone? Option B. Option B. It's high lattice energy and low heat of hydrogen. Very good. एल्यूमिना क्या होता है जब हम लोग इनसॉल्युबल क्यों है? बेसिकली एल्यूमिना के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ओके, या एल्यूमिना खुद एक काफी हार्ड कंपाउंड है, ओके, जब आपका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा घर में कभी भी एल्यूमिनियम के वेसल्स वगैरह यूज किए होंगे आपने, एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम आपका ऑक्सीजन के साथ, इवन वाटर के साथ, इवन एयर के साथ रिएक्शन करके एक Al2O3 कंपाउंड बनाता है। एल्यूमिनियम इसके अंदर रहता है, फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये आपका एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, तो इसके ऊपर वाले लेयर में आपका क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम बन जाएगा। ये अंदर पूरा एल्यूमिनियम है, ये आपके प्योर एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट है अंदर पूरा का पूरा, ओके, प्योर एल्यूमिनियम है, जो ऊपर का लेयर है दैट इज Al2O3, और ये लेयर काफी हार्ड होता है, नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता किसी से। इनसॉल्युबल, यहाँ पर बी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल? B2H6. Very good. Electron deficient आ जाएगा। Next one, question number 7. Anhydrous aluminium chloride fumes in most moist air owing to the formation of question number 7. Hydrogen chloride. हाँ yes. Fumes है ना, तो hydrogen chloride आएगा आपका। Very good. HCl लिखा हुआ वो hydrogen chloride, किसको नहीं समझ में आ रहा? HCl लिखा हुआ यहाँ पर। नॉर्मली हाइड्रोजन क्लोराइड आप लोग पढ़ते नहीं हैं। नाउ कलर ऑफ द बीड बोरेक्स टेस्ट इज मेनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोरेट। वेरी गुड। द पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Tl +1 and +3, ओके, +1 ज्यादा स्टेबल है, +3 कम स्टेबल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबलाइम ऑन हीटिंग? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी डी 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 यस ओके। सबलिमेशन तो समझते हो ना, सिंपल है यार, 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। सबलाइम, सबलिमेशन, सबलाइम। क्वेश्चन नंबर 11, द गैसियस प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड एट रूम टेम्परेचर बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड बोरॉन ट्राइक्लोराइड अंडर द एनहाइड्रस कंडीशन। Gaseous product expected to the room temperature by reaction of sodium borohydride and boron trichloride. अच्छा, tell me the reaction, इसका कोई reaction बताएगा मुझे? इसका reaction किस तरीके से होगा? चलो reaction नहीं पता तो आप compound ही बता दो यार, क्या बनने वाला? Sodium borohydride क्या होता है वो बता दो। NaBH4। NaBH4, very good. किसके साथ reaction कर रहा है? BF3 के साथ क्या बनेगा? B2H6। पक्का सब लोग ओके है ना? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी पार्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने जल्दी खत्म हो गया यार, 13 तो शुरू होते ही खत्म हो गया। कार्बन फैमिली स्टार्ट करते हैं। सिलिकेट्स हैविंग द वन मोनोवेलेंट कॉर्नर
ऑक्सीजन एटम्स इन ईच टेट्राहेड्रन यूनिट. इसमें एक ही कॉर्नर एटम्स होता है. एनीवन शीट सिलिकेट. शीट सिलिकेट्स क्या होते हैं? एनीवन शीट सिलिकेट्स तीन एटम्स शेयर करते हैं ना. हाँ, कितने एटम शेयर करते हैं शीट सिलिकेट्स? तीन. तीन शेयर करते हैं शीट वाले. हाँ, शीट वाले थ्री एटम शेयर करते हैं. अच्छा, यहाँ पर लिखा ओनली वन हैविंग वन मोनोवेलेंट कॉर्नर शेयर एटम ईच टेट्राहेड्रॉन. पाइरोवेन. एक ही एटम शेयर करते हैं ना, तो एक एटम कौन शेयर करता भाई? शीट सिलिकेट में क्या होता है? शीट का मुझे एग्जांपल बता दो कोई. शीट सिलिकेट में टाल्क. टाल्क शीट का एग्जांपल. टाल्क. हाँ, गुड गुड वन. शीट सिलिकेट में अगर हम बात करें, मैंने लिखा है था आई थिंक शीट सिलिकेट में टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स और थ्री डायमेंशनल शीट सिलिकेट, राइट? एक टू डायमेंशनल शीट था, एक थ्री डायमेंशनल शीट, राइट ना? तो जब शीट सिलिकेट होता तो वहां पर थ्री एटम शेयर होते ना शीट सिलिकेट्स में, हैविंग वन मोनोवेलेंट कॉर्नर ऑक्सीजन एटम. यहाँ पर तो सीट आंसर कैसे, क्या आंसर आ रहा भाई इसका? 12 का सीट कौन पायरो आना चाहिए ना. कैसा? पायरो सिलिकेट. पायरो सिलिकेट. हाँ, पायरो सिलिकेट. हाँ, पायरो सिलिकेट आएगा. पायरो में सिंगल ऑक्सीजन एटम ही शेयर रहता है, तो पायरो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ना. साइक्लिक में आपके कितने शेयर रहते हैं? साइक्लिक में आपके टू एटम्स शेयर रहते हैं. ओके, ध्यान से देखो, मैं सारे एक्सप्लेन करता हूँ. जो आपका शीट सिलिकेट होता है, चेन सिलिकेट है. यहाँ पर चेन सिलिकेट में आपके टू ऑक्सीजन एटम शेयर रहते हैं. डबल चेन सिलिकेट में आपके कितने ऑक्सीजन एटम शेयर रहते हैं? डबल चेन सिलिकेट में, डबल चेन सिलिकेट में भी आपके टू ऑक्सीजन एटम शेयर रहते हैं. ये चेन सिलिकेट में आपके इस तरीके से रहता है. चेन सिलिकेट में आपका, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, ओके, आपका ये शेयर, ये शेयर. डबल चेन सिलिकेट क्या होता है आपका? सिंगल लाइन इस तरीके से चलते हैं. फिर डबल चेन सिलिकेट में थ्री हो जाएंगे. इस तरीके से ऑक्सीजन एटम्स चलते हैं डबल चेन सिलिकेट. वी टॉक अबाउट चेन सिलिकेट, शीट सिलिकेट. शीट सिलिकेट्स में दो टाइप होते हैं, एक 2D वाला होता है, एक 3D वाला होता है. 2D वाला मीन्स जो हम 2D में देखते हैं उसकी बात करते हैं. जब 2D की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपका शीट सिलिकेट्स पूरा बन जाएगा 2D में, इस तरीके से आगे जाएगा. ओके, और आगे हम लोग कर देंगे तो ये आपका शीट सिलिकेट का ही एग्जाम्पल होगा. इस शीट सिलिकेट्स में आपके थ्री ऑक्सीजन एटम शेयर रहते हैं बेटा. थ्री ऑक्सीजन एटम शेयर रहते हैं शीट सिलिकेट में. शीट इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, एक बार चेक कर लेना. इसका एक एग्जांपल क्या है? जो आपका थ्री डायमेंशनल शीट होता है उसमें फोर ऑक्सीजन एटम शेयर रहते हैं. यहाँ पर वन मोनोवेलेंट ऑफ वन ऑक्सीजन शेयर की बात कर रहे हैं, तो आपका पायरो आएगा. वन ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहे हैं, राइट? समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लो. क्वेश्चन नंबर 13 का PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ. हाँ, नंबर 13 तो आप लोग बता सकते क्यों एग्जिस्ट नहीं करता. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, वेरी गुड. इसको तो एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत बार. क्वेश्चन नंबर 14 देखो. द सिलिकेट्स एनायन इन मिनरल किनोआइट, किनोआइट इज अ चेन ऑफ 3SiO4 टेट्राहेड्रॉन दैट शेयर कॉर्नर विद एडजेसेंट टेट्राहेड्रॉन. द चेन ऑफ द सिलिकेट्स. क्वेश्चन नंबर 14 क्या आंसर होगा? पहले तो इसका फॉर्मूला आपको आइडिया नहीं होगा. फॉर्मूला आपको लिखा है यहाँ पर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 को लेट्स सॉल्व इट.
द सिलिकेट एनायन मिनरल इनोलाइट चेन ऑफ थ्री. अच्छा चेन लिखा हुआ है, चेन ऑफ थ्री ऐसा ही हो. चलो चेन बना लेते हैं हम लोग. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. ओके एंड मिडिल में आपका वन ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया. इस तरीके से आपका चेन सिलिकेट्स हो गया, थ्री SiO4 यूनिट्स अटैच हो गए. नाउ इसमें पूछा दैट द शेयर कॉर्नर विद एडिशन और द चेंज ऑफ द सिलिकेट्स एनायन. चेंज ऑफ द सिलिकेट्स एनायन, चेंज निकालना है सिलिकेट्स एनायन में. चेंज नहीं बोला होगा या फिर डायरेक्टली सिलिकेट्स एनायन बोल सकता है. तो माइनस नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा बिकॉज चेन सिलिकेट है. तो आपका ये चेन आगे चलता जाएगा. ओके इस तरीके से नेगेटिव आयन ऑन दिस ऑक्सीजन. ऑल ऑफ यू ध्यान से देखो, नेगेटिव आयन आपका यहाँ पर होगा एंड नेगेटिव आयन आपका अंदर होगा. यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा. कितने नेगेटिव हैं? ये उसने एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से दिख रहा है मुझे तो. द चेन सिलिकेट्स, अच्छा उसने थ्री बोल दिया तो आपके ये दो भी आ जाएंगे. ओनली उसने थ्री चेन तक कर दिया ना. देखो यहाँ पर लिखा चेन ऑफ थ्री SiO4, ओनली थ्री SiO4 बोला तो SiO4 सिंगल SiO4, एक ये आपका SiO4, ये आपका थर्ड SiO4. इस केस में आपका देखो यहाँ पर कितने नेगेटिव चार्ज आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. इस केस में आपका जो फॉर्मूला बनने वाला है, तो सिलिकॉन आपका कितना हो जाएगा, सिलिकॉन थ्री एंड ऑक्सीजन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन एंड चार्ज आपका माइनस एट. तो ये माइनस एट आपका आंसर होना चाहिए. इसमें चेंज ऑफ द सिलिकेट्स एनायन पूछा, चेंज नहीं पूछा होगा. यहाँ पर चार्ज ऑफ द सिलिकेट्स एनायन पूछा होगा, राइट. चार्ज होगा तो माइनस एट इसका आंसर आएगा. समझ में आया? नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 15. तो बहुत ही मिस्टेक वाला सीट. द गैसियस कौन सा फॉर्मूला, ये शिवप्रसाद ये वाला फॉर्मूला इसकी बात कर रहे हो? ये फॉर्मूला कैसे आया? ऑल ऑफ ये क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? देखो पहले उसने बोला क्वेश्चन रीड करो पहले. द सिलिकेट्स, उसने बोला एनायन विद मिनरल क्योनलाइट, ये मिनरल लिया हुआ है, इसका ही सिलिकेट्स है. मीन्स ये सिलिकेट्स आपका चैन सिलिकेट्स ही होता होगा बिकॉज उसने बोल दिया ऑलरेडी कि चैन ऑफ थ्री SiO4, थ्री SiO4 यूनिट का चैन है. तो आपका एक SiO4 इस तरीके से बनता है, ये ट्रायंगल बनता है ना SiO4. ओके सेकंड SiO4 इस तरीके से बनेगा, थर्ड SiO4 इस तरीके से बनेगा. उसने बोला चैन ऑफ थ्री सिलिकेट्स, तो थ्री सिलिकेट्स का मैंने चैन बना दिया. सबसे पहले चैन बनाते टाइम फिर हमने ऑक्सीजन एटम सब जगह पर लगाया, जितने भी आपके कॉर्नर होते हैं एंड प्लस सेंटर ऑफ द ट्रायंगल आल्सो, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लगाया. ओके जैसे ही हम ऑक्सीजन लगाएंगे सारे ऑक्सीजन को बॉन्ड से अटैच कर देना है. जब सबका बॉन्ड बन जाएगा तो बॉन्ड बनते ही आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितने पर आपका नेगेटिव चार्ज है कितने पर नहीं है. नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो इन ऑक्सीजन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा. जो शेयरिंग करते हैं जिसके पास डबल बॉन्ड होता है उन ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं आता है. आपका अगर वो चेन सिलिकेट के बारे में और आगे बात नहीं करता, उसने थ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ पर थ्री SiO4 यूनिट्स नहीं दिए होते, तो हम आगे इस तरीके से डैश लगा के मीन्स आगे भी आपके यूनिट अटैच हो सकते थे, इस तरीके से आगे भी हो सकते थे. बट उसने सिर्फ थ्री की बात की, इसका मतलब यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी आपका नेगेटिव चार्ज आएगा एंड यहाँ पर भी आपका नेगेटिव चार्ज आएगा. इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑल्सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा. ओके तो टोटल सिलिकॉन एटम्स, देखो सिलिकॉन एटम्स कहाँ पर होते हैं बेटा, सेंटर पर. तो एक तो नंबर वन सिलिकॉन आपका ये हो गया,
नंबर सेकंड सिलिकॉन आपका ये हो गया, नंबर थर्ड सिलिकेट्स आपका ये हो गया। तो टोटल सिलिकेट्स की बात करेंगे तो सिलिकॉन आपका कितने हो गए, 3। ऑक्सीजन कितने हैं काउंट कर लो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 3 कितने हो गए, सॉरी 4, 4 कितने हो गए, 8, 8 हुए ना, 4 इस सर्किल में एंड 4 इस सर्किल में, 8 हुए ना, एंड 2 हेयर कितने हो गए से प्रसाद, ऑक्सीजन 10 हुआ ना। ऑक्सीजन 10 होने के बाद आप ऑक्सीजन पर चार्ज देख लो कितना है, ऑक्सीजन पर चार्ज -8 है ना, तो -8 लगा दिया, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द गैसियस प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन SN एंड कंसंट्रेट H2SO4, कौन सा गैसियस प्रोडक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, कंसंट्रेट H2SO4 मोस्ट ऑफ द टाइम आपका SO2 गैस रिलीज करता है, जस्ट लाइक कंसंट्रेट HNO3 आपका NO2 गैस निकालता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द डिहाइड्रेशन ऑफ मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, इसका डिहाइड्रेशन करना विद P4O10, P4O10 का डिहाइड्रेशन करना, निकाल पाओगे डिहाइड्रेशन कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 16 का डिहाइड्रेशन, एनीवन, डिहाइड्रेशन नहीं जानते यार, ऑर्गेनिक पढ़ लिया आपने, CH2 लिखा हुआ है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन करो, मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। भाई डिहाइड्रेशन करना है यार, रिमूवल ऑफ H2O ना, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O ही होता है। CO2 और मोनोऑक्साइड, CO2 और CO प्लस H2 ऐसे होता क्या, P4O10 लगा रहता ना जहां पर, इस पहले तो ये समझ लो P4O10 के लिए हर रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं होता है कि हीट की जरूरत पड़े, बट 90% टाइम P4O10 के टाइम हल्का सा हमको हीट करना पड़ता है, हल्का सा मींस टेम्परेचर डिपेंड करता है कि 70-80 हो सकता है, 200 के आसपास, लेस देन 150 और 170 के आसपास रहता है ये टेम्परेचर, क्योंकि इतना याद रखना, बट टेम्परेचर उतना मीनिंग नहीं रखता, डेल्टा साइन बनाओ जब P4O10 आता है, ये चीज हो गई P4O10 के बारे में। जब P4O10 आता है तो उसका डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन में जितने भी H2O होते हैं, जितने भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होंगे, सारे के सारे बाहर निकलेंगे, तो इस केस में आपको कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं दिख रहे हैं, 2N2 4 दिख रहे हैं, तो प्लस में आपका एटलीस्ट 2H2O तो बाहर निकलेंगे अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है उतना, तो ऑक्सीजन अवेलेबल है ना, यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन अवेलेबल है, राइट, यहाँ पर ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो हमको 2 ऑक्सीजन चाहिए बिकॉज ऑफ दिस, इस फॉर्मूले के लिए, तो 2H2O बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन अवेलेबल है, और जितने भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं सारे के सारे ये बाहर निकाल ले जाता है, P4O10 आकर डिहाइड्रेटिंग, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जब ये बाहर निकलेगा देन आपका रिएक्शन जो बचा हुआ कंपाउंड होता है वो आपका रिएक्शन हो जाएगा, बचा क्या, C3O2 एंड C3O2 का नाम क्या होता है, कार्बन सब ऑक्साइड, वेरी गुड। ओके, सो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा, डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, इसी रिएक्शन का अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, P4O10 भूल जाते हैं, मेलोनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो आप लोग, ऑर्गेनिक पढ़ा होगा आपने, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 गैस जो आपके ये CO होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं, यस सही ना, डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा है ना एसिड का, बताया होगा सर ने अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फिगर ऑफ ग्रेफाइट बेस्ट अकाउंट्स फॉर यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा ठीक ठाक है क्वेश्चन। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? देखो डीलोकलाइजेशन जब आपका हम क्या करते हैं लिब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, तो लिब्रिकेंट की तरह यूज करने में क्या होता है, जो ग्रेफाइट के वॉन्डर वाल फोर्सेस होते हैं, वॉन्डर वाल फोर्स मीन्स जो लेयर होती है, लेयर के बीच में वॉन्डर वाल फोर्सेस होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर लिब्रिकेशन। तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, वॉन्डर वाल फोर्सेस बिटवीन द लेयर। तो ग्रेफाइट के बीच में जो वॉन्डर वाल फोर्सेस होते हैं ना, उसकी वजह से हम यूज कर पाते हैं एज ए लिब्रिकेंट। समझ गए? तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, याद कर लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, जेई में कम चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द स्ट्रक्चर सिलिकॉन, सिलिकॉन यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना वैलेंसी है, ऑक्साइड मींस SiO2 लिखा हुआ है, बिलोंग टू SiO2। द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 बिलोंग टू माइक्रोमोलिकुलर आयनिक लैटिस, माइक्रोमोलिकुलर विथ लेयर स्ट्रक्चर, माइक्रोमोलिकुलर। इसका आंसर बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ क्या होना चाहिए। एनीबॉडी? लेयर स्ट्रक्चर और नॉन लेयर स्ट्रक्चर क्या होता है सर? लेयर स्ट्रक्चर नहीं पता आपको? लेयर टाइप जो स्ट्रक्चर होता है, नॉन लेयर मींस इसमें कोई लेयर ही नहीं है। लेयर मींस जैसे ग्रेफाइट पढ़ा आपने, एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, सेम टू सेम लेयर एक के ऊपर एक फॉलो हो रही है, इस टाइप को बोलते हैं लेयर स्ट्रक्चर, सेम टू सेम। ऑप्शन डी फिर। ओके, मॉलिक्यूलर माइक्रो मॉलिक्यूलर विथ, ओके, एनीबॉडी कोई और बता दो भाई। जो सिलिकॉन होता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलिकॉन, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, SiO4 की बात कर रहा है यहाँ पर, ओके, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है ना, ओके, नाउ ये जो सिलिकॉन होता है, इसका सेंट्रल एटम के पास 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ओके, एंड दैट 4 ऑक्सीजन एटम्स आपके 3 डायमेंशनल में अटैच रहते हैं, इस तरीके से अटैच रहते हैं, राइट, 3 डायमेंशनल में। एक्चुअली में दिखता आपको ऐसा है जब हम 3 डायमेंशनल बनाते हैं, ओके, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। सॉरी, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन आपका यहाँ पर आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर रहता है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर। तो जब ये 3 डायमेंशनल में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, लाइक डायमंड की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो क्या ये कोई लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है क्या? थ्री डायमेंशनल सॉलिड टाइप स्ट्रक्चर है और कोवेलेंट बॉन्डेड है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको समझ में आ रहा है, तो ये लेयर टाइप स्ट्रक्चर तो फॉर्म नहीं करेगा, तो ये नॉन लेयर हो जाएगा। समझ गए ना? तो नॉन लेयर, वैन डर वाल फोर्सेस होगा नहीं आपका, ओके, देन माइक्रोमोलिकुलर विथ नॉन लेयर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ओके। माइक्रोमोलिकुलर हम इस तरीके से बोल सकते हैं बिकॉज दिस सिलिकॉन ऑल्सो यूज, हम इस तरीके से आई थिंक सेमी कंडक्टर बनाने में यूज किया होगा ना, ओके, एक माइक्रोमोलिकुल, बिकॉज एक नेटवर्क फॉर्मेशन होता है आपका, और यू कैन से दैट नेटवर्क फॉर्मेशन तो बोल सकते हैं, तो ये मैक्रोमोलिकुलर फॉर्म स्ट्रक्चर हो गया, बिकॉज ये आपका बहुत बड़ा नेटवर्क फॉर्म कर सकता है,
थ्री डी स्ट्रक्चर बन सकता है। तो आपका मैक्रो हो गया एंड नॉन लेयर स्ट्रक्चर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका 1, 2, 3 ये तो बिल्कुल भी करेक्ट है, तो आपका डी ऑप्शन आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, सिलिकॉन डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ एचएफ, सिलिकॉन एक्सेस ऑफ एचएफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, हाँ ये रिएक्शन लिखा हुआ है सिलिकॉन का, अगर एक्सेस ऑफ एचएफ के साथ रिएक्शन करते हैं क्या होता है? एनीवन H2SiF6, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, Which of the following halide does not hydrolyze at room temperature? लिखा हुआ है ना? CCl4. SiCl4 on hydrolysis क्या मिलता है? SiCl4 का hydrolysis करने पर SiCl4 है बेटा, क्या मिलता है? Salicylic acid. 4OH bond join होते हैं. 4OH bond, very good. Okay. Next one, question number 23. C60. This substance having the molecular solid C60. Very good. Next question number 24. Cyclic skeleton of silicon and oxygen can be constructed by the silicate ion composition. Silicate ion composition. Simple it is. SiO3 2-. SiO3 2-. Is everyone okay? SiO3 2-, C option. Next question number 25. Which of the following is an organosilicon? Organosilicon polymer. कौन सा ऑप्शन है 25 का? B. Very good. Next question number 26. आप खुद फील कर पा रहे हो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलिकॉन्स पर ही दिए हुए यहाँ पर. Okay. Then next question. SnCl2 act as a reducing agent because of SN4 is more stable than SN2, ये होगा या SN2 is more stable than SN4, या SnCl2 accept electron radially, या SN can easily converted to metallic tin, क्या होगा बेटा आंसर? Option C, very good, okay. Next question number 27, the correct order of decreasing ionic nature of lead dihalide का decreasing ionic nature लिखना है आपको. क्वेश्चन नंबर 27, PbF2 सबसे ज्यादा आयनिक होगा बिकॉज F आपका आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, F का कोवेलेंट बॉन्ड बहुत कम बनाता है. ओके, F आपका आयनिक फॉर्म होगा, फिर ClBri, सिंपल है, कोई एक्सेप्शन नहीं. कार्बोरंडम इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कौन सा सॉलिड है? ये नोट्स में कोवेलेंट सॉलिड, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द प्लेग ही लिखा है ना, प्लेग ऑफ टिन इज द, क्या होगा प्लेग ऑफ टिन? प्लेग ऑफ टिन, कोई जानता प्लेग ऑफ टिन क्या होता है? एनीवन? कन्वर्जन ऑफ टिन को ही हम कन्वर्ज करते हैं, बेसिकली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जाते हैं, या एक कलर के फॉर्म को दूसरे कलर में लेके जाते हैं. ये इसके पीछे कुछ स्टोरी है, मींस बहुत पुराना स्टोरी है, इसलिए इसका नाम प्लेग ऑफ टिन रखा गया. उस स्टोरी को जरूरत नहीं है क्लास में डिस्कस करने का, ओके, बाद में आप लोग कभी सर्च कर लेना, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं. प्लेग ऑफ टिन जो होता है, That is white tin to grey tin में convert करता है. क्या स्टोरी है इसके पीछे? वर्ल्ड वॉर के टाइम की स्टोरी है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं. ओके, सो ये वाइट टिन टू ग्रे टिन में कन्वर्ट करने को प्लेग ऑफ टिन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बटर ऑफ टिन इज रिप्रेजेंटेड, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, बटर ऑफ टिन किस से रिप्रेजेंट करते हैं? बटर ऑफ टिन देखो, बटर ऑफ टिन का बेसिकली होता तो है, आपको बटर ऑफ टिन का अगर हम फॉर्मूला लिखे, मैं सही से फॉर्मूला लिखूं, तो एक आपका SiCl, सॉरी
SnCl4 होता है बटर ऑक्टेन, बट एक्चुअली में ये SnCl4 नहीं होता, ये एक यहाँ पर फोर का फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो SN, इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं, SnCl4 और H2O होल ट्वाइस होता है डॉट, या बेसिकली इसको बाहर निकालो 3H2O, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम लोग एक फॉर्म और लिख सकते हैं जिसको आप भी जानते हो, SnCl4.5H2O लिख सकते हैं ना, राइट तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, H2C2O4 इसको हीट करेंगे, गैस ए बनेगा, गैस बी बनेगा, लिक्विड सी बनेगा, गैस ए बर्न विद ब्लू फ्लेम इज ऑक्सीडाइज्ड टू गैस बी, गैस ए Cl2 के साथ रिएक्शन करके डी बनाता है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ई बनाता है, क्या कंपाउंड बनेगा, एनीवन कौन बोल सकता है ये कंपाउंड, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सोचो इसके, इवन अगर आपके लिए ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन नहीं दिखाना, आप यहाँ से अच्छा चलो ऑप्शन देखना है, देख लो यहाँ पर कैसे ऑप्शन देखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दिख रहा आपको ऑप्शन, आप मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना सीख लो बेटा, काम आएगा आपको। ओके ऑप्शन सी, सी पक्का ऑल ऑफ यू, ओके बेटा बाकी लोग भी सॉल्व करें, सी ही आ रहा है क्या आ रहा है, रिएक्शन लिख पाओगे इसका, चलो हम बताते हैं, बाकी लोग का तो पता नहीं, आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं, H2C2O4 व्हेन हीटेड गैस ए आपका क्या होता है CO प्लस CO2 प्लस H2O, ये आपका लिक्विड होता है एंड ये आपकी गैसेस होती हैं, डजंट मैटर आप ए और बी किसको नाम दे रहे हो वो आपको आगे वाले क्वेश्चन से समझ में आएगा, जब ये गैसेस आपकी यहाँ पर होंगी देन आपका बी गैस रिएक्शन करता है किसके साथ, गैस ए बर्न विद ब्लू फ्लेम एंड ऑक्सीडाइज टू गैस ए आपका ब्लू फ्लेम में बर्न करता है, राइट तो ब्लू फ्लेम में बर्न करेगा, कौन सा ब्लू फ्लेम में बर्न करता है गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये आपका ए हो गया, दिस इज बी हो गया, ओके एंड ये आपका सी पार्ट हो गया, देन गैस ए का तो आपको आइडिया लग गया, गैस ए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपका ए या सी बी और डी ऑप्शन हो सकता है, नेक्स्ट वन आपका क्या है, गैस ए कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद Cl2 क्या फॉर्म होगा बेटा, NH2 फॉर्म होने वाला, इतना जल्दी यहाँ पर हम लोग डी ऑप्शन पे हैं, इसमें ये क्या फॉर्म होगा, COCl2 इसका नाम कोई बता दो, पॉजिन, वेरी गुड, काफी पॉइजनस गैस होती है, एक बार खाओगे दर्शन होंगे ऊपर, या सॉरी स्मेल करोगे तो, ओके तो अमोनिया गैस हुआ एंड यहाँ पर अमोनिया गैस के साथ जब इसको हीट करेंगे तो कंपाउंड फॉर्म क्या फॉर्म होगा, कंपाउंड यूरिया NH2CO NH2 plus HCl, ओके ये आपका कंपाउंड हो गया, अभी यहाँ पर HCl फॉर्म होने वाला, आप लिख सकते हो, HCl के बारे में कुछ पूछा नहीं है, चलो हम लोग लिख देते हैं, ये आपका ABC that is E and that is D, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आपका A B C D, ये भी मैच कर गया बट E पूछा, यहाँ पर A B C and E पूछा, A B नहीं है, A B C and E, C ऑप्शन मैच कर रहा, राइट C ऑप्शन मैच कर रहा, क्वेश्चन नंबर 32 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस ग्रुप, SI2O6 anion इज ऑब्टेन व्हेन
नो ऑक्सीजन अब ऐसा ही होता है टेट्रा एंड शेयर्ड विद। हाँ ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। 32 का आंसर बता दो बेटा जल्दी से। बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 आपके ग्रुप 15 से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके ये ग्रुप 15 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपडेट करो अपने आप को नेक्स्ट ग्रुप में। ट्राइसिलामीन, ट्राइसिलामीन का फॉर्मूला ये होता है दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल होगा या एसिडिक, ये आप खुद बता सकते हो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। 33 का क्या आंसर होगा? ट्राइगोनल प्लेनर एंड वीकली बेसिक। वीकली बेसिक वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन कौन सा होगा? 34 का NO2 होता है मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 NH3PH3 व्हिच ऑफ द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? ऑप्शन डी SbH3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन When zinc react with very dilute HNO3, the oxidation state किधर से किधर change होती है? Oxidation state of nitrogen, nitrogen plus 5 से आपका change होगा। Zinc के साथ reaction होती है, तो पहले तो zinc के साथ reaction कराना जरूरी होता। Now tell me zinc के साथ आपका HNO3 की reaction होती है very dilute लिखा यहाँ पर, हाँ very dilute। तो क्या compound form होने वाला है? Anyone? ZNO। ZNO, okay। मैं जिस कंपाउंड पर इंटरेस्टेड हूँ वो आप बता ही नहीं रहे हो। N2O फॉर्म होगा। आपको ही सही बताना है, मैं बस जो आप बोल रहे हो वो लिख रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया कि आप सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। फाइनल में मैं बताऊंगा कि सही है कि नहीं। आप लोग बताएं क्या ये सही है, वेरी डाइल्यूट जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या कंपाउंड फॉर्म होता है? एनीवन? ZnNO3 twice ये हो गया। चलिए और नेक्स्ट कोई और कोई नहीं बताएगा? किसी को नहीं आइडिया क्या मैं NH4NO3 बनेगा क्या यहाँ पर? NH4NO3 बनेगा क्या नहीं बनेगा? एक बार कॉपी ओपन करके देखो, मैंने लिखाया हुआ ZN आई थिंक, मैं थोड़ा सा मुझे याद रहता है जिस फॉर्मेट में मैं लिखाता हूँ। मैंने लिखाया होगा वेरी डाइल्यूट एंड वेट बाई वेट लेस देन 1%, ऐसा कुछ लिखाया होगा। ये कॉलम बनाया होगा, कॉलम में हमने लिखा था MN और MG के साथ रिएक्शन होती है तब आपका H2 गैस फॉर्म होता है, बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ आपका H2 गैस नहीं फॉर्म होता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर H2 गैस को वो H2O में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से लिखा था कि ओनली MN और MG ही ऐसे एलिमेंट हैं जो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके H2 गैस इवॉल्व करेंगे और रेस्ट मेटल्स और कोई सी मेटल आपकी रिएक्शन करेगा तो आपका H2O इवॉल्व करेगा, बिकॉज ये आपका बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HNO3। नाउ फिर नीचे छोटा सा लिखा होगा मैंने ZN को ZN के साथ रिएक्शन करके NH4NO3 इस तरीके से कुछ बनाया होगा मैंने, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा होगा नीचे। फिर आपका नेक्स्ट टेबल नीचे स्टार्ट होता होगा, नेक्स्ट टेबल था, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। ओके आपको भी याद रहेगा। फिर यहाँ पर लिखा था आगे होंगे पंजाबी चूहे। ओके तो पहले तो उससे पहले फजान हंसाता है लिखा था हमने। ओके फजान मीन्स FE और ZN। FE नहीं, इस तरीके से नहीं था बेटा, FE और ZN तो बाद में था, पहले यहाँ पर 3 स्टेप थे, 1, 2, 3 स्टेप में रिएक्शन थी। नंबर फर्स्ट में था आगे होंगे पंजाबी चूहे, इस केस में आपका एनो गैस बन रहा था राइट। ओके प्लस मेटल नाइट्रेट बनेगा AgNO3 HgNO3 PbNO3 होल्डर, इस तरीके से नाइट्रेट बनेगा। नेक्स्ट आपका लिखा था फजान हंसाता है मींस यहां पर N2O गैस निकलेगी, अगर आप फील कर पा रहे होगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। SN के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता था NH4
NO3, ये कंपाउंड लिखा था मैंने, ओके, एंड दैट कंडीशन इज डाइल्यूट, और जिसको मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइन लगाया था. एंड देन लास्ट वन आता है आपका, यहाँ पर भी सेम टाइप के थ्री फॉर्मेट थे, नंबर वन, नंबर टू एंड लास्ट वन नंबर थ्री. ओके, नंबर वन में था आपका, जब ये रिएक्शन करेगा इस केस में आपका NO2 बनेगा, Zn और Fe इस केस में भी आपका NO2 बनेगा, और Sn के केस में स्पेशल केस था H2SnO3 बनेगा. ये लिखाया था कंसंट्रेट HNO3 के केस में, सब जगह आप NO2 गैस बनाओ, Sn के लिए आप H2SnO3 बनाओ, प्लस मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, आप उस तरीके से छोड़ दो मेटल नाइट्रेट, अगर कुछ वाटर वाटर निकल रहा तो वही बना, समझ गए. तो जिंक के केस में क्या कंपाउंड बन रहा है, NH4NO3 बन रहा है, राइट, NH4NO3 है ना, NH4NO3 के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, NH4NO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, निकाल पाओगे, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितना होगा, पहले आप मुझे ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, एंड देन सेपरेट सेपरेट ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, ऑल ऑफ यू बताओ, ओवरऑल 5, ओवरऑल 5 प्लस 1 कैसे निकालते यार, मुझे भी सिखा दो, अमोनिया की जगह नाइट्रोजन की जगह मैंने एक्स लिखा, प्लस 4 प्लस फिर से एक्स लिखा और माइनस 6 करेंगे तो आपका 0, 2x is equal to कितना आया, minus 2, 2x is equal to minus 2, yeah, 2 is equal to 2, x is equal to plus 1 आएगा, then आपको separate separate निकालना है, तो ये आपका कितना आएगा, plus 5 वही आपका, minus 4, इस केस में कितना आएगा, NO3 में, plus 5 ना, राइट, प्लस 5 आएगा या नहीं आएगा, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो बाबा, NO3, अरे चलो छोड़ो, इधर पे देखो, NH4 NO3 रहता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, N H NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव N N NH, आई थिंक ये पॉजिटिव साइन किस पर है, ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर, एंड हाइड्रोजन किस पर है, किस पर है बाबा, यहां पर आपका प्लस 5 आने वाला है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहां से निकाल सकते हो, x रखेंगे माइनस 6 रखेंगे प्लस 1 रखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस 5 आएगा, इस केस में आप x रखेंगे माइनस 4 रखेंगे प्लस 1 रखेंगे, इस केस में आपका प्लस 3 आएगा, ये आपका डायरेक्टली HNO3 वाला उठ के आता है और ये वाला नाइट्रोजन आपका कन्वर्ट होता है. तो बेसिकली अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन चेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, देखो माइनस थ्री में भी आ सकता है, माइनस थ्री में भी जा रहा है, एंड आपका प्लस वन में भी जा रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअली में दो ऑप्शन होना चाहिए. ओके, अगर नहीं है दो ऑप्शन तो आप किसी में भी लगा दो, ए भी हो सकता है आपका और ये भी हो सकता है, समझे मेरी बात, बिकॉज यहाँ पर ओवरऑल आपका प्लस वन में जा रहा है, तो उसने आइडेंटिफाई नहीं बोला कि किस नाइट्रोजन की बात कर रहा है, तो ये प्लस वन भी हो सकता है. अगर हम पर्टिकुलरली इस नाइट्रोजन की बात करें जिसमें चेंज हो रहा है, तो ये आपका किस में जा रहा है, 5 टू माइनस 3 में जा रहा है, प्लस 5 वाले से कोई मतलब नहीं है, प्लस 5 वाला तो कहीं जा नहीं, समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड MH3 ग्रुप 15 का, हाइड्राइड का थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, 37 का आंसर क्या होगा, वेरी गुड, ए पार्ट, 38 द प्रोडक्ट फॉर्म बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3, क्या फॉर्म होने वाला, 38 का आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, वेरी गुड,
When sample NO2 is placed in a container, this equilibrium is rapidly stabilized. This in this equilibrium, the darker color at high temperature at low pressure, which of the following statement reaction is true? Reaction exothermic. हाँ ये reaction बता दो बेटा कौन सा, ये reaction आप लोग कर लेना okay? ये आपका chemical equilibrium से related question है okay? यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है इसका, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। करो इसको, नहीं आता है तो मुझे बताना आफ्टर द क्लास, एक बार अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, हीटिंग ऑफ द अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं क्या कंपाउंड बनता है? अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बताओ कोई। NH4 2CR2O7। वेरी गुड, NH4 2CR2O7। इसको हीट करेंगे, हीट ही कर रहे हैं ना, हाँ। क्या प्रोडक्ट बनता है? इसको छोड़ दो अभी, SN1 जब सर पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक का पार्ट है ये आपका टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, एक आपका होता है SN1 रिएक्शन, फिर होता है SN2 रिएक्शन, फिर होता है E1 रिएक्शन, फिर होता है E2 रिएक्शन, लाइक एलिमिनेशन आपने पढ़ा होगा ना, आई थिंक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर क्या होता है, और कौन सा रिएक्शन होता था, रेडॉक्स रिएक्शन तो एक मैंने पढ़ा है आप लोगों को, एंड और कौन सा रिएक्शन होता है भाई, फोर टाइप की रिएक्शन होती है ना, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, फाउंडेशन वाला पार्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा, फोर टाइप की रिएक्शन, डीकंपोजिशन, हाँ डीकंपोजिशन रिएक्शंस एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ सॉरी, ये सारी रिएक्शन थी, फोर, वन टू थ्री फोर टाइप की, और फिफ्थ आपका रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ये तो आपकी बेसिक फाउंडेशन वाला पार्ट है, अभी इसमें आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, ये आपका भी एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन दो टाइप की हो जाती है ओके ओके। ये आपके न्यूक्लियोफिलिक वाले रिएक्शन है, जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाली बात करते हैं, तो यहाँ पर वही रिएक्शन आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएंगे, इनको भी इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, बाद में समझ में आया, बाद में समझना, वो सर बताएंगे आप लोग ओके। तो वहां पर ऑलरेडी बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा कौन सी हैलाइड्स होती हैं जो आपको SN1 और SN2 में पार्टिसिपेट करती हैं, राइट, फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव ऑक्सी एसिड ऑफ सेंट्रल एटम ऑन हाइड्रोलिसिस, कौन सा कंपाउंड ऑक्सी एसिड नहीं देगा, एनीवन, 42 का आंसर, कौन सा कंपाउंड ऑक्सी एसिड नहीं देगा, इसका हाइड्रोलिसिस पढ़ा आपने, इसका भी पढ़ा, इसका भी पढ़ा, क्या इसका हाइड्रोलिसिस पढ़ा, नहीं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द प्रोसेस डज द नाइट्रोजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, निकाल लोगे कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सी रिएक्शन में नहीं हो रहा है, बता दो बेटा जल्दी से, ऑप्शन डी देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, NO2 में +3 एंड NO3 में +5 ओके, हियर इज +3 एंड हियर इज +5। नेक्स्ट, फॉर विच एलिमेंट वुड XH3 बी स्टेबल स्पीसीज, कौन से के लिए XH3 स्टेबल स्पीसीज होगा, सिंपल है यार, XH3 फास्फोरस होगा पक्का, बाकी देखो ये फॉर्म नहीं करेगा, ये 14 वाला है, ये भी 14, ये 16, ये 15 वाला था, नहीं फॉर्म ओके। सो अब आता है आपका ऑक्सीजन फैमिली, जो आपने रिसेंटली स्टडी किया होगा, नाउ टेल मी SO बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, SO बॉन्ड लेंथ किसमें मैक्सिमम होगा, क्वेश्चन नंबर 45, वेरी गुड ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सर वो कैसे किया, 45 45 कैसे किया, बता दो बेटा कैसे किया 45, जिसने मुझे बताया आंसर कैसे किया बता दो जरा, कैसे निकाला आपने, या आंसर देख के बताया,
अरे भाई बताओ ना। अरे यार मुझे लगा आप लोगों ने बता दिया होगा, किस तरीके से आप निकाल पाते हो यार। इसका कौन सा आंसर होगा एनीवन? चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ सारे एलिमेंट का। SO बॉन्ड लेंथ निकालना है तो आपका S डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, एंड BR फर्स्ट A का बना रहा हूं मैं, तो BR हम इस तरीके से BR लगा देते हैं, BR सिंगल बॉन्ड, BR एंड डबल बॉन्ड, राइट? क्लियर है हुआ ना ये? चलो इस तरीके से लगा दिया आपने दिस डबल बॉन्ड को। BR सेकंड वन है, S डबल बॉन्ड O, F S डबल बॉन्ड O, CL CL, ओके। टेल मी बेटा किसमें आपका आंसर राइट आंसर होगा? यार ऐसे थोड़ी मजा नहीं आता यार, आप लोग बताते हो मैं बताऊंगा क्या होता है, बट आप लोग बताओ ना आपने बात की। यस सर, हाँ 1 मिनट। हाँ बोलो, किसी का आया आंसर? ओके लिसन मैं बताता हूँ। अच्छा सब जगह पर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ना इसमें, ऑल ऑफ यू फिर प्रसाद, एक मैं आपका एक फिगर बना रहा हूँ जिससे आप समझ जाना, लाइक सल्फर लिखा हुआ है, इसके लोन पेयर आप लोग ऊपर ले लेते हैं, ओके। एंड आपका लेट से यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर आपने क्लोरीन ले लिया, यहाँ पर आपने ये वाला फ्लोरीन, ओके। SO2 में ये सी वाला पार्ट, आप बी वाला भी ड्रॉ कर सकते, कोई दिक्कत। अगर आप ध्यान से देखोगे जो आपका एच सिंग जो लेट्स है ये BR है या F है आपका, तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, BR हो चाहे F हो चाहे कोई सा भी हेलोजेंस हो, जब आपके हेलोजेंस होते हैं तो हेलोजेंस का साइज बहुत ज्यादा होता है ना बेटा, हेलोजेंस का साइज बहुत ज्यादा होने से वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, जैसे जैसे ये हेलोजेंस का इन दोनों का साइज बहुत ज्यादा है तो ये आपस में रिपल्सन करेंगे, जैसे रिपल्सन करेंगे तो लेट्स से यहाँ पर आपका लोन पेयर हो जाएगा, ओके। ये लोन पेयर भी आपस में रिपल्सन करेगा इसके साथ, राइट? रिपल्सन करेगा ना, BR रिपल्सन करेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ज्यादा रिपल्सन नहीं कर पाएगा बिकॉज क्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है, क्लोरीन की साइज और छोटी, क्लोरीन की साइज भी छोटी होती है विद रिस्पेक्ट टू BR, ओके। बट यहाँ पर आपका ये केस लिया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अभी ये वाला डी आंसर आएगा। देखो डी वाला केस क्या होगा, एस हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर हमने ये लिख लिया, ओके। एंड देन यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपका CH3 है, एंड यहाँ पर आपका CH3, ओके। इस केस में होगा क्या बेटा, इन दोनों के बीच इतना रिपल्सन नहीं होगा, बट रिपल्सन क्या इन द सेंस, इसका जो खुद का स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत रिपल्सन हो सकता है, टेट्राहेड्रल का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा ना इनका, इन साइज की वजह से थोड़ा सा ये रिपल्सन होगा, जैसे रिपल्सन होगा तो आपका लोन पेयर का भी रिपल्सन होगा और ये इसके साथ रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने का मतलब है ये बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन का अभी इसके पास रहना चाहता है, ये थोड़ा सा दूर चलने का ट्राई करेगा,
लेट से अभी यहाँ पर ऑक्सीजन था, थोड़ा सा ऑक्सीजन आपका और दूर निकल जाता है, ओके, यहाँ पर निकल, तो आपका रिपल्शन थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पर भी रिपल्शन कम होगा, तो ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हैं इसको, ओके। तो ये डी ऑप्शन अभी रॉन्ग है, बिकॉज डी ऑप्शन में होने नहीं वाला, यहाँ पर ऑलरेडी टेट्राडल होगा, बी आर टू वाले केस में ज्यादा होगा, बिकॉज बी आर टू का साइज काफी बड़ा होता है इन कंपेरियन टू डी थ्री, बी आर टू का साइज काफी बड़ा होता है, एन प्लस बी आर सॉरी ब्रोमीन के पास लोन पेयर भी होते हैं, तो आपका आंसर ए आने वाला है इसमें, मुझे लगा आप लोगों ने शायद कुछ सोचा होगा। डी ऑप्शन, अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस और टेट्राहेड्रल एज्यूम करते हो तो उसकी वजह से आप डी लगा सकते हैं, बिकॉज फैक्ट ये है कि जब भी आपका ये प्रेजेंट रहता है तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल बनेगा, और इन टेट्राहेड्रल में आपका रिपल्सन नहीं होगा, साइज इंक्रीज होके ये खोड डाउनग्रेड होकर के इनका ये वाला बॉन्ड लेंथ नीचे पहुंच जाएगा, बट उतना रिपल्सन नहीं होगा जितना आपका बी आर टू रिपल्सन कर देगा यहाँ पर, तो आपका बी आर वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ओके, तो यहाँ पर बी आर टू ज्यादा हो गया, ओके, एसओ बी आर टू, ऐसे मत बोलो यार, आंसर इसका क्या है, जो भी आंसर दिया हो डी दिया ना, हाँ इसलिए बोल दिया ना आप लोगों ने डी, मुझे समझ में आ गया था अभी डी दिया इसलिए आपने डी बोले, थोड़ा सा सॉल्व करो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, हाँ हो सकता है, मान सकता हूँ डी दिया है, आपने भी यही कंसेप्ट लगाया होगा कि थोड़ा सा रिपल्सन होगा तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, बट आपका ए आंसर यहाँ पर सही होता है, ओके। तो पहले आप अपने कंसेप्ट पर रहो, उसके बाद आप आंसर देखो, आंसर देख के कन्विंस मत हो जाओ कि हाँ यार जैसा मैंने सोचा वैसा होगा, अपने कंसेप्ट के थ्रू आप आंसर देखो, फिर आप समझो कि वहां पर आंसर सही दिया या नहीं दिया, ओके, सिंपल है, आप अपना कंसेप्ट टिके रहोगे तो कुछ कर पाओगे, अगर आंसर देख के आप अपने सॉल्यूशन को चेंज करोगे तो फिर लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप कंफ्यूज रहोगे, ऑलवेज कंफ्यूज रहोगे, ये करें या ये करें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक बार आप अपना कंसेप्ट सीखोगे तो शायद कुछ आगे जाओगे। क्वेश्चन नंबर 46, थर्मल स्टेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, व्हेन केएच 46 इन केस ऑफ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, ओके 46 नहीं बताऊंगा मैं, 47 when KHSO4 is added into concentrated solution of H2SO4 the acidity of the solution, acidity increase hogi or decrease hogi, bata do bachche koi, anyone, KHSO4 added into the concentrated solution of SO H2SO4, acidity of the solution increase or decrease? Decrease. कैसे होगा decrease बता दो। Sir, H2SO4 strong acid है। H2SO4 is strong acid होगा। और कोई और बताएगा? H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ ये KHSO4 कहाँ से आया? KHSO4 जब ऐड करेंगे इसमें H2SO4 में, देखो H2SO4 हाईली एसिडिक लिखा हुआ वहां पर, ठीक है, बहुत ही कंसंट्रेटेड मींस एसिडिक, जब आप KHSO4 ऐड करोगे तो KH यहाँ पर कुछ नहीं, वहां पर ऑलरेडी SO4 है बेटा, ये SO4 है, H2SO4 वाला ही पार्ट है, फिर C आएगा ना, तो यस फर्क नहीं पड़ेगा, C रिमेन कांस्टेंट रहने वाला है, फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो पोटेशियम है तो यहाँ पर KOH बेसिक वाला नेचर शो करेगा, तो इसके साथ में H2SO4 भी तो है, ये तो न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो फर्क नहीं पड़ने वाला सॉल्यूशन की एसिडिटी,
समझे। लेट से अगर आप सोच रहे हो कि इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिडिक वाला पार्ट, एक्वस वाला पार्ट होता तो KOH बनता एंड साथ में H2SO4 बनता, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बेटा, H2SO4 में फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या बनेगा इसमें? 48 नहीं बताने वाला मैं, आप लोग बता दो क्या बनने वाला है। एनीवन? कितना जल्दी भूल गए यार, परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बोलो, परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड क्या? H2SO4, हाइड्रोलाइज करते हैं क्या बनता है? H2SO4+H2SO5, इसका हाइड्रोलाइज करते हैं H2SO4+H2O2, यहाँ पर ये वन मोल बनता है इसके वन मोल से, यहाँ पर इसके वन मोल से ये वन मोल बनता है, जो दिया है फॉर्म लगा दो ना, इसके वन मोल ले रहे हैं हम लोग इसके H2SO4 के, टू मोल्स ऑफ परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा, वन मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वन मोल ऑफ परऑक्सीमोनो सल्फ्यूरिक एसिड, सी ऑप्शन आ जाएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है बाबा, ऐसा मत किया करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमर फॉर्म ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ईच सल्फर एटम इज बॉन्डेड विद, प्राइमर फॉर्म लिखा हुआ है, ईच सल्फर एटम, प्राइमर फॉर्म जो आपका SO3 होता है ना, SO SO S O इस तरीके से बनता है, फिर से बना दे रहे हैं हम लोग, ओके ध्यान से देखो, अच्छा बन गया, सल्फर ऑक्सीजन ओके, एंड एवरी सल्फर हैज वन ऑक्सीजन ऑल्सो, ओके समझ में आया, तो बता दो यार यहाँ पे क्या बनने वाला, फोर ऑक्सीजन एटम्स, थ्री ऑक्सीजन एटम्स, क्या आंसर है इसका? ऑप्शन बी, ओके सो 49 का आंसर आया क्या, कौन सा है 49 का आंसर? द ट्राइमर फॉर्म ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ईच सल्फर एटम इज बॉन्डेड विद, 49 का आंसर क्या है? सल्फर एटम कितने से बॉन्डेड रहता है? 1, 2, 3, 4 यार मजा नहीं आ रहा फिर मुझे इस तरीके से आप लोग कर रहे हो तो। सर एस पे और एक डबल बॉन्ड हो चाहिए ना, एस पर और एक डबल बॉन्ड हो चाहिए ना, क्यों? ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास? 9 है ना, हाँ फिर तो ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं हुई, H double bond O, H double bond O, इस तरीके से होगा बिकॉज ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है, मुझे लगा ऑक्सीजन कंप्लीटेड है, यहाँ पर SO3 होल्थराइज है, इसका मतलब सल्फर 3 एंड ऑक्सीजन 9 है, अभी देखो ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हुआ, ओके थैंक यू बेटा बताने के लिए, तो अभी आपका कितने, वन सल्फर एटम्स कनेक्टेड विद फोर ऑक्सीजन एटम्स, ओके तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 50 सोडियम थायोसल्फेट इज फॉर्म्ड विद 51 52 53। ये फोर क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या आने वाला 50 का आंसर। सोडियम थायोसल्फेट इज फॉर्म्ड व्हेन, कब फॉर्म्ड, न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH, Na2 व्हाइल, क्या लिखा, न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH, ओके गुड वन। एंड आपका एक क्वेश्चन और होता है दैट व्हेन Na2H2O3 व्हाइल्ड विद एलिमेंटल सल्फर, जब सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये भी फॉर्म होता है। यहाँ पर भी दो ऑप्शन आ जाएंगे इसके आंसर, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ओके इक्वल इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें हम लोग, द K4 एफिशिएंसी रिएक्ट विद ओजोन, क्या फॉर्म होगा। ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिक्रीज करेगा। K4 को K3 में कन्वर्ट कर दिया उसने, K3 Fe-CN6 आ जाएगा। यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो दोनों जगह पर, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, K4 वाले आइटम्स में जो आपका आइटम्स एलिमेंट कंपाउंड लिखा हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, टेल मी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। K4 की जगह हम लोग 4 लिखेंगे, प्लस Fe की जगह हम X लिखेंगे, एंड यहाँ पर माइनस ऑफ 6 लिखेंगे, इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस 2। एंड व्हेन वी गो अबाउट K3 के लिए, देन 3 प्लस एक्स माइनस 6, एक्स आपका प्लस 3 आया, तो प्लस 2 से प्लस 3 में कन्वर्ट किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 52 का आंसर बता दो जल्दी से, 52 53, इन दोनों में कोई डाउट है, जल्दी से रीड करो और बताओ मुझे, एनी डाउट। ग्रुप 17 स्टार्ट होता है, 54 to 61 रीड करो 5 मिनट्स में, कोई डाउट है इसमें। इन विच केस एसिडिक स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, निकाल सकते हो, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद आयोडीन, ये भी आपको पता है आयोडीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, HIO3 बनाता है या HIO4 बनाता है, ओके। देन थर्मली मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, कौन सा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है थर्मली, यहाँ पर हाइड्राइड को स्टेबिलिटी पूछा है, ओके स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी पूछा, 56 लगाओ इसको और ओके सो 56 हो गया, 57 विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन, कैसा 52 52 द डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O2 इज मोर देन द H2O बट H2O2 इज नॉट गुड सॉल्वेंट बिकॉज H2O2 इज नॉट गुड सॉल्वेंट, डाइपोल मोमेंट क्या, जो सॉल्वेंट का नेचर होता है वो डाइपोल मोमेंट से डिसाइड करते हैं, किससे डिसाइड करते हैं सॉल्वेंट का नेचर, चलो H डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O2 इज मोर देन द H2O बट H2O इज नॉट गुड सॉल्वेंट बिकॉज, नंबर वन देखो, इट हैज वेरी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सो दैट आयनिक कंपाउंड कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट हैज वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, नहीं ये तो करेक्ट नहीं है बेटा, ओके okay.
इट डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है. ओके, इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग. इट डिसोसिएट इजिली, एक्ट डिसोसिएट इजिली एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शन. डिसोसिएट इजिली 52, डिसोसिएट इजिली डाइपोल मोमेंट. इसका आंसर डी पार्ट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर बोला है H2O2 इज नॉट मोर, डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा है ऑफ H2O से, बट H2O2 इज मोर, इज नॉट गुड सॉल्वेंट. H2O2 आपका एक गुड सॉल्वेंट नहीं है, वो निकालना है. क्यों? क्योंकि इट डिसोसिएट इजली, किसी भी केमिकल रिएक्शन में H2O2 होता है ना बेटा, H2O2 इजिली डिसोसिएट हो जाता है आपका H2O एंड O2 में. यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है. इसको स्टेबल रखने के लिए यहाँ पर कुछ हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करते हैं, अगर याद होगा तो. नेगेटिव कैटलिस्ट लाइक एथाइल एल्कोहल वगैरह या फास्फेट वगैरह ऐड करते हैं यहाँ पर, H3PO4 वगैरह, तो वो यहाँ पर ऐड करके रखते हैं कैटलिस्ट में, ताकि ये कन्वर्ट ना हो पाए H2O एंड O2 में. इट डिसोसिएट इजली, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शन, तो इसलिए ये सॉल्वेंट की तरह हम लोग काम नहीं कर सकते. समझ में आया बात? H2O2 नॉर्मल कंडीशन में अगर आप रख दोगे तो वाटर एंड ऑक्सीजन गैस बन जाएगा, समझ गए? बट वाटर के साथ ऐसा नहीं होता है. बाकी सारी कंडीशन तो वो मैच नहीं कर रहा करेक्टली, ये वाली कंडीशन जल्दी से मैच कर रहा, बिकॉज H2O2 अगर आप कुछ नहीं करोगे, नॉर्मली रख दोगे. H2O2 के लिए हमने, मैंने एक कहानी बताया था कि H2O2 को हम लोग अंधेरे में रखते हैं, और कुछ ग्लास की बॉटल्स होती है जिसमें ब्लैक कलर की कोटिंग करके रखते हैं, ताकि उसमें सनलाइट ना पड़े. जैसे सनलाइट पड़ती है ये रिएक्शन होने लगती है, उसमें कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करके रखते हैं, ताकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाए. याद करोगे तो मिलेगा, नोट्स में लिखा हुआ है, अदरवाइज नहीं मिलेगा. वैसे ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं था, पुराना वाला क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 56 हो गया, 7, 8, 9, 10, 57, 58, 59, 60, एनी डाउट? सीट आज लेवल 1 तक पूरा कंप्लीट होगा. ओके, तो जो भी डाउट हो आप बता सकते हैं. 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65 एंड ये आपके 66 से लेकर के 72 तक सीट ऑलरेडी आपके पास है. 5 मिनट में क्वेश्चन देख लो, कुछ डाउट हो तो बताओ मेरे को, मैं यहाँ पर अभी अवेलेबल हूँ. लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है. ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो. You can send me in the chat box also. Chat box में मुझे answer send कर सकते हो, और बोल भी सकते हो कि सर ये question explain कर दो, इनके case अगर आपको बोलने में थोड़ा सा भी शर्म आ रही होगी. Mostly लोग बहुत शर्मा रहे हैं आजकल, पता नहीं कौन सा नई बहू जैसे काम कर रहे, लड़कियों जैसे काम कर रही. इवन लड़कियां भी होंगी, वो लोग पूछती नहीं है, पता नहीं क्यों, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता. आप लोग बताओ 61 में आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा होती है ना, आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा होती है, राइट? आयोडीन, दैट द लार्जर आयोडीन atoms can accommodate more number of
स्मॉलर फ्लोरीन एटम अराउंड इट, जिसकी साइज ज्यादा बड़ी है, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे एटम्स को एक्युमुलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो ये आपका यहाँ हर जगह से एक्युमुलेट कर सकता है। जिसका सरफेस एरिया बहुत कम है ये एक्युमुलेट करेगा, तो फिर एटम्स इसके पास पास आ जाएंगे, राइट, फिर एटम्स में रिपल्सन होने लगेगा। जब साइज बड़ी है तो एटम्स आसानी से आ जाते हैं, रिपल्सन क्रिएट नहीं हो पाता, इसलिए वो स्टेबल रह पाते हैं। पॉइंट समझ में आया? आयोडीन आपका बहुत बड़ा साइज है, उसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से फ्लोरिन इजिली आकर के एकोमोडेट हो सकते हैं उसमें, और उनके बीच में रिपल्सन नहीं होगा। इवन अगर क्लोरीन ऐसा करता है और ब्रोमीन ऐसा करता है, तो फिर उनके साथ में फ्लोरीन के जो बीच में रिपल्सन होने लगता है, वो रिपल्सन क्रिएट होने लगता है। और इसका साइज बहुत छोटा होता है, तो ये क्लोरीन के लोन पर से भी रिपल्सन, क्लोरीन का लोन पर तो छोड़ दो, नहीं होगा, बिकॉज सेवन अगर ऑक्सीजन आप ये बोल रहे हैं ClF7 आता है, तो Cl के साथ 6 F 6 7 और F आपको लगाना यहाँ पर, तो ये आपस में रिपल्सन क्रिएट करने लगता है। जबकि आयोडीन के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बिकॉज उसका लार्ज साइज होता है। ओके, नेक्स्ट 62 63 64 63, द अनफेवरेबल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अमंग दिस, अनफेवरेबल रिएक्शन है, इसमें क्या निकालना बेटा? अनफेवरेबल रिएक्शन नहीं आता, आपको देखना है कौन सा रिएक्शन किसको रिप्लेस कर सकता है। क्या मैंने बताया था ये रिएक्शन हो सकती है? ध्यान से देखो, I2 लगा हुआ है Cl के साथ, हो सकती है क्या? नो सर, हमने इस तरीके से पढ़ा Br2 का मैंने रिएक्शन Cl नेगेटिव के साथ ऐसा कुछ कराया था, राइट, या Br नेगेटिव था और Cl2 था, इस तरीके से रिएक्शन था, एंड दैट Br2 में कन्वर्ट करता था। छोटा हैलोजन्स बड़े हैलोजन्स को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, सिंपली है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। जैसे ये रिएक्शन लिखा हुआ ना, बी वाला हो सकता है, सी वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, अंडरगोज द बोथ ऑक्सीडेशन, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कर सकते हो आप लोग, कौन सा ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन हो सकता है? 65 भी आप कर सकते हो। ओके, 66, द फैक्टर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैस फ्रॉम हीलियम टू जीनोन, ये कर सकते हो। ओके, द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी फॉर्मड बाय जीनोन इज, कौन सा कंपाउंड जीनोन का फॉर्म नहीं हो सकता, वो भी आपको पता है, कौन सा फॉर्म नहीं हो सकता? HCl वाला कंपाउंड फॉर्म नहीं हो सकता। जीनोन के कंपाउंड ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, इवन नाइट्रोजन के साथ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले सकते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं है कि जीनोन का इलेक्ट्रॉन निकाल ले, खींच। ओके, नाउ नेक्स्ट 68 हो चुका होगा, 69 70 71 72, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट आपको जब आपका सीट होगा तो लेवल 2 के क्वेश्चन डिस्कशन होंगे, और लेवल 2 में आई थिंक इससे भी ज्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है लेवल 2 में। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेवल 2 के लिए, तो आप पहले से प्रिपेयर करके लाना बेटा कि किसमें डाउट है। ओके, आप यहाँ पर मत रहना कि मैं आपको रीड करने का टाइम दूंगा, जस्ट मैं पूछूंगा 1 to 10, 10 to 20 इस तरीके से, तो आपको बताना पड़ेगा डायरेक्टली कि कौन से क्वेश्चन में डाउट, राइट। पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओ, आइडिया लगेगा, इस क्वेश्चन में डाउट हो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हाँ, जो नीट वाले बच्चे हैं उनका जो नीट का सीट है, अगर आप नीट के सीट से डाउट सॉल्व कर रहे हो, दिखाया था ना मैंने नीट का सीट से, तो डेली मतलब डेली के टाइम बोल रहा हूँ मैं, 9 to 10 आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो उसी सीट से, या सारे लोग नीट वाले आकर के डिस्कस कर सकते हो 9 to 10। डेली में बोल रहा हूँ मैं, डेली आपके पास मेरे पास टाइम है 9 to 10। ओके, नेक्स्ट वीक तक आप लोग मेरे से डाउट डिस्कस कर सकते हो इस सीट का, जो मैंने नीट के लिए स्पेशली बोली थी, उसका डिस्कशन हम लोग लास्ट में करने वाले हैं। अगर आप पहले से सॉल्व कर रहे होगे तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो अभी से, वेट मत करना आप लोग कि नहीं हम जब सीट डिस्कशन होगा तब करेंगे। ओके, तो क्लियर है बेटा, यहाँ पर समझ में आया? लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं, इनकेस कुछ डाउट होता है तो मेरे से पूछो नेक्स्ट सीट के लिए, लेवल 2 के लिए। ओके, और नेक्स्ट सीट भी रेडी करके रखो। बाय बाय एवरीवन, बाय सर।